हेलो नमस्कार, वेलकम। फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, वैकेंसी एयर एजुकेशन के तहत फिर से हम आज एक नए वीडियो के साथ शुरुआत करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी विद्यार्थियों को पसंद आएगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी है इसमें छोटी क्वालिफिकेशन से लेके हाई क्वालिफिकेशन तक के सभी विद्यार्थियों को इनवाइट किया गया है। पोस्टों की संख्या की बात की जाए तो अच्छी पोस्ट हैं, और बात करें जॉब लोकेशन की तो भारत के सभी विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट इस पोस्टों पे या फिर इन वैकेंसियों में आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें कैसे आवेदन करना होगा, कब से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कब तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, ये सारी अपडेट लेने के लिए आपको होगा यहाँ पे देखना होगा वीडियो और अंत तक बने रहना होगा। तो इसी दौरान चलिए आज की इस शुरुआत को शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको लेके चलूंगा इसके ऑफिशियली जो विज्ञापन है यानी कि नोटिफिकेशन है उसके ऊपर हम बात करेंगे, फिर ऑब्वियसली वेबसाइट पे बात करेंगे जिसके तहत आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें मैं क्लियर करवाऊंगा, और फिर भी आपके कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में लिखिएगा, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। इसी दौरान मैं शुरू करने से पहले छोटी सी अपडेट आपको यहाँ पे रखूँ, तो ये देखिएगा ये विज्ञापन है और ये 19 जुलाई को अपडेट हुआ है, नया लेटेस्ट विज्ञापन है। उम्मीद करता हूँ आप सभी विद्यार्थी पहली बार देख रहे होंगे। जो भी पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले हर एक नोटिफिकेशन के लिए सबसे पहले आप बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि हर एक छोटे बड़े विज्ञापन की जानकारी आप ले पाएँ। तो यहाँ पे देखिएगा टेक्नीशियन यानी ओटी की पोस्टें हैं, आईसीयू की पोस्ट यहाँ पे टेक्नीशियन से रिलेटिव ही पोस्ट अपडेट हुई है, जिसमें एप्लीकेशन आर यू इनवाइट जो रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयज़ हैं या फिर इसके जो वैकेंसी अपडेट हुई है उसमें क्वालिफिकेशन के माध्यम से यहाँ पे आप लोग आवेदन करेंगे। यहाँ पे बात की जाए तो दोस्तों बीएससी 10वीं 12वीं साइंस के तहत या फिर डिप्लोमा टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए डिप्लोमा अलग अलग क्वालिफिकेशन और योग्यता के अनुसार निर्धारित की हुई है। आगे हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट के लिए आपको सबसे पहले आवेदन करना होगा, और फिर उसके बाद TA या DT के तहत पेड पेमेंट करने के बाद आपका एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट एग्जाम होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये बेसिक डिटेल है, हर एक वैकेंसी जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी होती है उसमें ये प्रोसेस निर्धारित किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आगे हम बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में और जॉब लोकेशन के बारे में और आवेदन के बारे में, तो यहाँ पे देखिएगा 6 अगस्त से पहले आप इस फॉर्म को जमा करवा सकते हैं। सबसे पहले क्लियर ये जो हो चुका होगा, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया इसकी 19 जुलाई से है और आवेदन आप 6 अगस्त तक इसे सबमिट करवा पाएंगे। अप्लाई कैसे करना है, बिल्कुल ऑनलाइन होगा, आप इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा और वहाँ से आवेदन करना होगा। आवेदन की बात करें तो हम इसकी वेबसाइट पर विजिट कर चुके हैं और इसकी वेबसाइट का लिंक आपको दिया जाएगा ताकि आप लोग इसमें आवेदन कर सकें। तो देखिएगा ये इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है जहां से हम इसका फॉर्म भरने जा रहे हैं, और यही लिंक आपको नीचे दिया जाएगा जहां से आप लोग फॉर्म देख सकते हैं या फिर विज्ञापन को देख सकते हैं। ये सारी अपडेट आप खुद ऑफिशियली वेबसाइट से लेने की कोशिश करें। ये आगे देखिएगा, अब हम इसके रिक्वायरमेंट की बात करें या फिर कैरियर की बात करें तो आप कैरियर पे क्लिक कर सकते हैं। न्यू रिक्वायरमेंट है जो भी हैं आपके सामने वो आपके सामने उपलब्ध होंगे। देखिएगा ये पोस्ट हैं, पहले ही रजिस्ट्रेशन या ऑफलाइन या ऑनलाइन किस तरीके से आप इस फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, दो तरीके यहाँ पे दिए हुए हैं। बात करें हम, अगर आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऑफलाइन इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये बेसिक डिटेल आप लोगों के सामने रखी जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे फॉर्म को पूरी तरीके से क्लियर करूँ या फिर फॉर्म आप देखना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे क्लियर कीजिएगा। मैं पहले अभी तक तो यानी कि क्वालिफिकेशन की ही बात की है और पोस्टों की बात हमने की है, अब हम बात करें इसके पूरे एप्लीकेशन फीस के बारे में, इनके बारे में, तो ये भी यहाँ पे देखते हैं अपन। ये देखिएगा यही फॉर्म आपको इसका लिंक दिया जाएगा। तो यह देखिएगा एप्लीकेशन की फीस मैं बात करता हूँ सबसे पहले, इसमें जर्नल के लिए ₹750, जबकि SC ST कैटेगरीज की बात करें तो ₹450 या ₹300 पेमेंट आपको जमा करवाना होगा। तो ये जर्नल और OBC को यहाँ पे ₹750 देना होगा, जबकि NCL OBC की बात करें तो ₹500 यहाँ पे उनको जमा करवाना होगा। वुमेन यानी महिलाओं की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे जर्नल की महिलाओं को ₹750 ही जमा करवाना होगा, जबकि EWS की बात करें तो ₹450 इनको यहाँ पे जमा करवाना होगा। ये बैंक चालान के तहत आप इसे जमा करवा सकते हैं, बैंक चालान के लिए या फिर आप डेबिट कार्ड, जो भी क्रेडिट कार्ड है आपका, नेट बैंकिंग के तहत भी इसे जमा करवा सकते हैं, आप खुद स्वयं भी इसे फिल कर सकते हैं। स्टेप 1 में आपका जो ईमेल आईडी
और रजिस्ट्रेशन नंबर होना ज़रूरी है, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सेकंड बात, हम इस पे ये करें जिस पे आप लोग आपका जो बेसिक डिटेल्स हैं वो भरना होगा। तीसरे कॉलम में आपके जो एजुकेशन या क्वालिफिकेशन है उसकी हम बात करें तो यहाँ पे एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे लगानी होगी। और जो यानी कि 7 स्टेप हैं, 7 स्टेप में आप फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ एक छोटी सी अपडेट के साथ। यहाँ पे देखिएगा 18 से 35 वर्ष तक का ओटी यानी टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। 10वीं 12वीं की अगर क्वालिफिकेशन है मैथ साइंस से तो आप इसमें लगा सकते हैं। अगर इसके अलावा आपके पास बीएससी है तो भी आप इसमें लगा सकते हैं। अगर आपके पास इन दोनों के अलावा तीसरी क्वालिफिकेशन 2 ईयर्स का डिप्लोमा अगर है आपके पास तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस 22,000 प्लस में आपकी सैलरी दी निर्धारित की हुई है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। तो ये दोनों ही यानी कि वैकेंसी ही अलग अलग दी हुई है। हम बात करें टेक्नीशियन बीटेक वाले विद्यार्थियों की तो उनका विज्ञापन बिल्कुल अलग है, वो विज्ञापन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और फिर से कहूँगा, उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। और फिर भी किसी भी विद्यार्थी को डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखेगा। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।